वन प्लस सी अभी रिसेंटली लॉन्च ही हुआ है और लीक आ गई है 1+8 की, तो देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो जानकारी करते हैं सबसे पहले चुटकी बजा करके 1+70 में क्या क्या फीचर्स हैं और 1+8 में क्या क्या आ सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम देखें तो 1+70 अभी सितंबर या अक्टूबर में रिलीज के लिए बात की गई है, जिसकी एलईडी जो है वो डिस्प्ले फ्लूइड सुपर एमोलेड है और हो सकता है इसमें ये अपग्रेड होकर आए, और देखते हैं कि क्या इसमें अपग्रेड होगा। ऑक्सीजन इसमें वही होगा जो 10 पॉइंट समथिंग करके है, और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा वो 855 वाला या 65 वाला जो भी लॉन्च होगा इसके साथ। हो सकता है अपडेट कर दें, स्नैपड्रैगन जो है कई बार अपडेट करता रहता है, हो सकता है उसके साथ अपडेट हो, अपडेट होने के बाद आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये सेट आएगा 2020 में, उसके बाद ही आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन पता लगेंगी। देखते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। 7T से हम कंपेयर कर सकते हैं कुछ फीचर्स, देखते हैं। पहले हम देखेंगे कैमरा, नहीं पहले मेमोरी देखेंगे। मेमोरी इसमें 128 GB की थी और इसमें 8 GB रैम थी, और 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज 8 में आ सकती है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12 GB रैम और 256 और 128 GB जो कम में 1+8 में रिलीज़ होगा। और अब बात करते हैं मेन कैमरा की। कैमरा हो सकता है इसमें 1+70 में 3 कैमरा थे, लेकिन इसमें होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ 4 कैमरा होंगे। इसमें तो 48 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल, उम्मीद कर रहा हूँ 48 मेगापिक्सल और 25 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें लॉन्च हो 4 कैमरा का, और एलईडी फ्लैश हो यार सेंसर के साथ, तभी मजा आएगा ना, चुटकी बजाने का फायदा ही क्या है। अब मैं बात करता हूँ बैक कैमरा की, सॉरी फ्रंट कैमरा की, जिसमें मैं 70 में ये 16 मेगापिक्सल था आई थिंक, और मैं इसमें उम्मीद कर रहा हूँ भाई 25 मेगापिक्सल आए फ्रंट का फ्लैश के साथ। फ्लैश नहीं होती तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है इसमें एक सैमसंग की तरह कट डिस्प्ले आएगी, जो बारीक सी लेज़र कट वाली होगी, ये फ्लूइड डिस्प्ले होगी 1+70 में है, जो वही सेम इसमें आएगी, लेकिन वो छोटी सी होगी कटेड। और स्पीकर तो वही सेम होते हैं यार, इतना नहीं है। अभी सैमसंग में सैमसंग गैलेक्सी A30s में भी डोल्बी आ रहा है, इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ डोल्बी स्पीकर्स होंगे। और बैटरी लाइफ वही यार जैसे नॉर्मल अब चल रही है 3500, मतलब 3500 या 3800, इसमें उम्मीद कर रहा हूँ 4500, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि 4500 mAh की बैटरी हो इंटरनल, तभी इसमें फ़ायदा। नहीं कि अगर इसके फीचर्स नहीं चल पाएंगे या गेम नहीं कर पाएंगे, सबसे टॉप गेम है अपना यार पबजी, अगर वो ही नहीं चलेगा इसमें लेट टाइम तक और मूवीज़ नहीं चलेंगी, तो उसके लिए एक्सपेक्ट करते हैं हम यार 128 GB और रैम हो और बैटरी ना चले इतनी, तो बेकार है, स्पीड के साथ बैटरी चलती है। इसका प्राइस बाहर की उसमें देखें तो हम लगभग 50 या 60 के समथिंग होगा, जो कि हमारा मैं बाहर के प्राइस से कंपेयर करूँ तो ये 1+70 जो था हमारा 600 यूरोस का था, 80 रुपये का 1 यूरोस होता है, तो 80 रुपये के हिसाब से 8×48,000 रुपये होते हैं। ये भी मैं मान रहा हूँ 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा होगा, जो कि ये एक्सपेक्ट करने से मतलब उम्मीद है ये फरवरी या मार्च तक रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी यार 1+70 उन्होंने रिलीज़ किया है। और हाँ दोस्तों आखिरी बात, ये मैं नहीं लगभग लगभग ये श्योर है कि वो 5G नेटवर्क में ही लॉन्च होगा, उसके नेटवर्क 2G 3G 4G और 5G में ना आए तो मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को भी दबा देना, नहीं तो घंटा नहीं दबाया तो थोड़ी बहुत यार अब मैं वीडियो डालनी शुरू करी तो दबा ही देना है, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो तो शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ वापस से रीशूट करनी शुरू करी है वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ रोज़ाना की 2 वीडियो दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू, सब बखैर।